हैदराबाद के करघर क्षेत्र में ट्रेन से टकराकर घायल हुए सांड की इलाज के अभाव के चलते हुई मौत, जिससे गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला पशु चिकित्सालय पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, क्योंकि दो घंटे तड़पने के बाद सांड की मौत हो गई। कटघर क्षेत्र स्थित धान मिल के पास आज एक गौवंशीय पशु ट्रेन के सामने आ गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोग और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और सांड के इलाज के लिए जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा और दो घंटे तक तड़पने के बाद गौवंशीय पशु ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा जानवरों के डॉक्टर के खिलाफ निकला। इनका आरोप था कि उक्त डॉक्टर की लापरवाही के चलते कई घटनाएं हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंशीय पशु का विधिवत क्रियाकर्म कराया गया। सर, मेरा नाम विशालाक्ष शर्मा है। क्या बात है, यहाँ आप लोगों में गौ रक्षकों में इतना आक्रोश, क्या मामला है? सर, आक्रोश की बात यह है, यह कोई पहला मामला नहीं है लापरवाही का। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले रहे हैं जहाँ पे पशुपालन विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही रही है, जिससे गौवंशीय पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। आज भी ऐसा मामला देखने को मिला जहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों ने दो से ढाई घंटे पहले, बल्कि तीन घंटे पहले तक डॉक्टर श्री पी डी जैन को सूचना दे दी थी कि ऐसे ऐसे एक सांड, एक नंदी जी है, उनका एक्सीडेंट हो गया है, ट्रेन से आकर के तत्काल इसका इलाज करवाइए। डॉक्टर साहब नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी को भेजा। लोग बार बार फोन करते रहे, सब लोग बता रहे हैं, सब लोगों ने 200 फोन कर दिए डॉक्टर साहब को, लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज के लिए नहीं आया। हार थक के यहाँ पे कोई भैया थे, वो अस्पताल गए लेने कि चलो मैं अस्पताल से जाकर के किसी डॉक्टर को, किसी कंपाउंडर को ले आता हूँ इलाज के लिए, तो वहाँ पे उनसे एप्लीकेशनें लिखाने लगे फालतू की। अब एक बात बताओ, जो इमरजेंसी का मामला है, क्या उसमें एप्लीकेशनें लिखी जाएंगी?